हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप सर। आज हम सीखने वाले हैं पेपर मैट। तो उसके लिए मैंने यहाँ मटेरियल लिया है। यहाँ मार्बल पेपर लिए मैंने, स्केल, सीजर, पेंसिल, ब्लैक स्केच पेन, वाइट ग्लू या फेविकॉल और एक वाइट पेपर जो हमारा ड्राइंग पेज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइंग पेज को बाजू में रख देंगे। यहाँ मैं जो डार्क कलर का जो पेपर है उसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल बना के लूँगा। हमें मैट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ मैं 20 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का यहाँ मैं एक क्या करूँगा, रेक्टेंगल बनाऊँगा। तो 20 नीचे 20 ऊपर या दो पॉइंट बना के लिए मैंने, और इन दोनों पॉइंट को यहाँ मैं ज्वाइन कर दूँगा। आप यहाँ देख सकते हो, और जो इस तरीके की साइड है यहाँ मैं 15 सेंटीमीटर और ऊपर भी 15 सेंटीमीटर का पॉइंट बना दूंगा, और ये दो पॉइंट को हम यहां से कट कर देंगे, ज्वाइन करके कट कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सीजर लेंगे और यहां से इसे कट कर देंगे। आप देख सकते हो जो मैंने पेपर लिया है उसके ऊपर ये अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से उठ के दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस तरीके से पेपर रखते हुए हम स्केल का यूज करेंगे और इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे हम 2-2 सेंटीमीटर के ऊपर, यानी 2 सेंटीमीटर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18 इस तरीके से पॉइंट बना के लिए है। सेम ऊपर भी करेंगे हम इसी तरीके से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड यहाँ 18, और ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। आप यहां देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, पेपर को आधा फोल्ड करेंगे, यहां प्रेस करेंगे और यहां से आप यहां देख सकते हो इस तरीके से, यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए, जैसे कि यहां मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ा है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से पॉइंट बना के लेंगे और हम यहां इसे कट करेंगे इस तरीके से। आप यहां देख सकते हो, यहां मैं पूरा कट नहीं कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा पहले ही रोक रहा हूं यहां जहां हमने लाइन बना दी है इस तरीके से। और इसे हम ओपन कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से मुझे पैटर्न मिल गया यहाँ। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरे हमने जो पेपर लिए हैं, यहाँ मैंने ऑरेंज और येलो पेपर लिया है, जो पेपर लिया है इस पेपर को हम इस तरीके से रखेंगे, दोनों भी पेपर को रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से पेपर रखते हुए हम यहाँ पे इसे जो स्ट्रिप है 2 सेंटीमीटर का स्ट्रिप हम यहां कट कर देंगे इसी तरीके से। हम जो ये स्ट्रिप्स है इसे हम येलो कलर के भी स्ट्रिप हम कट कर देंगे। आप यहां देख सकते हो, यहां मैंने स्ट्रिप्स कट कर दिया है। नेक्स्ट हम इस तरीके से पेपर को रखेंगे, यहां पे वाइट ग्लू लेंगे यानी फेविकॉल, और हम ये जो स्ट्रिप है उसे इस तरीके से रखते हुए अंदर के साइड में यहाँ पेस्ट कर देंगे अल्टरनेट। यहाँ पे जैसे कि यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ
आप देख सकते हो यहाँ मैं फेविकॉल लगा रहा हूँ और इस स्ट्रिप को हम इस तरीके से यहाँ पेस्ट कर देंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट हम ले रहे हैं येलो कलर का स्ट्रिप, इसे हम यहाँ लगाएंगे। नेक्स्ट ऑरेंज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से सूख देने के बाद इसे इस तरीके से रखेंगे, आप यहाँ देख सकते हो। और हम अब क्या करेंगे, इसे अब यहाँ से देख सकते हो ऑरेंज कलर का जो स्ट्रिप है उसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने इस तरीके से लगाया है कि इसे अल्टरनेट उसे ले लेंगे, यानी फर्स्ट हम इस तरीके से रखेंगे, नेक्स्ट हम इसके अंदर से डालेंगे उसे एक छोड़ के, इस तरीके से एक छोड़ देंगे और एक में से उसको अंदर डाल के बाहर निकालेंगे। फिर से एक मैंने छोड़ दिया है, यहाँ देख सकते हो आप, और इस तरीके से हम ले लेंगे इस तरीके से, यानी आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हो। ये जो ऑरेंज वाला पेपर है इसे हम इस तरीके से लेंगे, यहाँ से ऊपर लाएंगे और एक छोड़ के इसे फिर से अंदर डाल देंगे, फिर से यहाँ से हम इस तरीके से उसे लगा देंगे। ओके, तो ये होने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा येलो कलर का पेपर है उसे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ से हम डायरेक्टली उसे निकाल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ हमने ऑरेंज लिया था, फर्स्ट ऑरेंज अंदर डाला था इसलिए येलो बाहर निकाला है हमने। अब यहाँ से जब ऑरेंज बाहर की साइड में तो येलो की स्ट्रिप अंदर चली जाएगी, इस तरीके से, फिर से इस तरीके से, आप यहाँ देख सकते हो। इसे बहुत हल्के हाथ से कर रहे हैं हम क्योंकि ये फट ना जाए, ये मार्बल पेपर का यूज कर रहे हैं हम, इसे मराठी में घुटियो पेपर बोलते हैं, इस तरीके से हो गया, इस तरीके से। ऐसे ही हम बाकी कलर भी निकाल देंगे, फिर अभी ऑरेंज अंदर चला जाएगा और हम यहां से बाहर निकालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ मैट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट में जो आते हैं पेपर उसे हम कट कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से रखते हुए जो पेपर है हमारे
ऑरेंज कलर का जो पेपर आया है आप यहाँ देख सकते हो, इसे हम इस साइड में हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो जो बॉर्डर है हमारा, जो वायलेट कलर का बॉर्डर है वो दिखाई दे रहा है, इसे हम अच्छे से फिनिशिंग से के साथ कट कर लेंगे। पीछे वाले साइड में व्हाइट ग्लू लगा देंगे, यानी फेविकॉल इस तरीके से साइड साइड से लगा दो, चारों भी साइड में लगा दो फेविकॉल। और अपना जो ड्राइंग पेपर है इसके ऊपर इस तरीके से उसे पेस्ट कर देना है। ये जो हमारा पेपर मैट है उसे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इसके बाद हम इसे और भी डेकोरेट कर सकते हो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ में जो मैट के नीचे और ऊपर दोनों भी साइड में जो इस तरीके से कुछ इस तरीके से डिजाइन बना सकते हो आप, इस तरीके से आप एक कलर स्केच पेन से भी कर सकते हो इस तरीके से। तो स्टूडेंट, आपको भी ये पेपर मैट बनाना है और उसका फोटो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना है। थैंक यू।